2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद इस तरह की चर्चा होने लगी है। आखिर पीएम मोदी ने वो कौन सा फैसला लिया, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के दिन अब लद गए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। या इतना तो कंफर्म है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सीएम फेस रहने ही वाले नहीं है, बीजेपी से ही कोई सीएम का फेस होगा। आपको बताते हैं कि चुनाव के ऐलान होने से पहले तीन जगह रैलियां होती हैं, बेगूसराय, बेतिया, औरंगाबाद। वहां पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए दिखते हैं और बाकायदा नीतीश कुमार भी पीएम मोदी की खूब प्रशंसा करते हैं, मोदी भी सम्मान देते हुए दिखते हैं। चुनाव के ऐलान होने के बाद दो जगह रैलियां हुई, जमुई और नवादा। दोनों जगह नीतीश कुमार ने ब्लंडर किया और कह दिया इस बार एनडीए 4000 पार। और इसके बाद से जो है नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए, पूरे एनडीए निशाने पर आ गई। और अब जो है पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको याद होगा गया और पूर्णिया में रैली हुई और वहां नीतीश कुमार मोदी के साथ मंच पर नहीं दिखे। क्या आपके दिमाग में यह सवाल आया कि चुनाव के ऐलान होने से पहले तीन रैलियां हुई, बाद में दो रैलियां हुई, हर जगह नीतीश कुमार और पीएम मोदी साथ दिखे लेकिन गया और पूर्णिया में क्यों नहीं दिखे? तो आपको बता दें कि अब आगे की जितनी भी बड़ी रैलियां होंगी उस मंच पर मोदी और नीतीश कुमार साथ नहीं दिखेंगे। और ये खुद पीएम मोदी का बड़ा फैसला है और इसी फैसले के आधार पर कहा जा रहा है कि मोदी को इस बात का आभास हो गया है नीतीश कुमार अगर साथ में रहे तो डैमेज होगा, इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होना था। देखिए एबीपी सी वोटर्स की सर्वे की रिपोर्ट आई और ये कहा जा रहा है कि बिहार में कम से कम एनडीए 10 सीटें लूज कर रही है। पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, इस बार 10 से 12 सीटों का नुकसान जो है वो लगभग हो सकता है, ऐसे 7 सीटें कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखें जो नजदीकी मुकाबला है तो 10 से 12 सीटें एवरेज में जा रहा है। और कहा जा रहा है नीतीश कुमार एंड जेडीयू जो है वो अपनी सीटें हारते हुए दिख रही हैं और जिस तरीके से बयानबाजी नीतीश कुमार कर रहे हैं उससे एनडीए को नुकसान हो रहा है। और ये साफ है कि जो भाजपा का कैडर रहा है, जो वोटर रहा है, जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो संगठन से जुड़े नेता हैं, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं चाहते हैं कि पीएम मोदी जो है मन साझा करें और बड़ा फैसला आ गया। तो ये इस बात का संकेत है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर जेडीयू अपनी सीटें हार जाती हैं तो फिर उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो और कौन कौन से मसले हैं जिसके आधार पर पीएम मोदी ने ये बड़ा फैसला लिया है? और ये हवा हवाई बात नहीं है। संजय झा जेडीयू के कद्दावर नेता है, नीतीश कुमार के करीबी, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ ये सच बात है कि अलग अलग रैलियां होंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दोनों बड़े नेता हैं इसलिए अलग अलग रैलियां करेंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ और बात है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नवादा की रैली में कहा था कि नीतीश कुमार जी सब कुछ कह जाते हैं, हमारे लिए कहने को कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी बुनियादी मसले हैं नरेंद्र मोदी से ठीक पहले नीतीश कुमार भाषण देते हैं, वो हर बात कह जाते हैं और इसलिए पीएम मोदी के पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, बशर्ते राम मंदिर का मसला हो या फिर सनातन पर इंडिया ब्लॉक का प्रहार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई है। ये तीन चार मसलों के अलावा सारी बात नीतीश कुमार कह देते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को जो है वो परेशानी हो रही है। इसके अलावा जिस मंच से नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग मुस्लिम का तुष्टिकरण करते हैं, उसी मंच से नीतीश कुमार जो है ये कहते हुए दिखते हैं कि जब से हम आए हैं तब से बिहार में दंगा नहीं हुआ है, मुसलमान वोट बैंक को अपने तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं, यही वो सब मसला है जिस आधार पे अब जो है पीएम मोदी ने फैसला किया है कि वो नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार एक गलती बार बार कर रहे हैं, वो अपने बयान से भटक जाते हैं, वो क्या कहते हैं इनको खुद पता नहीं चलता है, जिस वजह से जो है इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को लेकर हमलावर रहता है। और इस बीच एक बड़ा फैसला आना और फिर ये चर्चा चल पड़ना कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के दिन लद गए हैं, क्या उनको सीएम के पद से हटा दिया जाएगा या फिर उनकी पार्टी में टूट होगी। और इतना तो अब राजनीतिक विशेषक खुल के बता रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कद लगातार बढ़ रहा है, नीतीश कुमार का कद काफी छोटा हो गया है, बार बार पलटी मारने की वजह से उनकी छवि खराब हो गई है, तो साफ तौर पर जो सीएम का उम्मीदवार होगा वो भाजपा से ही कोई होगा। नीतीश कुमार चाहे जितनी भी प्रशंसा मोदी की कर लें, चाहे वो पैर छू लें, जिस तरीके से आरोप विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, 2025 में वो सीएम का फेस नहीं रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।